Hello and welcome back, guys. This is Engineer Naseer Malik, and you are watching your favorite YouTube channel, PTS CAD Expert. जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैचिंग, सेंटरिंग, शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके एनालिसिस करेंगे IS कोड की मदद से, कौन कितने दिन रखना है आफ्टर कास्टिंग, रिमूवल टाइम कितना होगा. पहले हम लोग चलते हैं साइट पे, उसके बाद हम लोग इनकी एनालिसिस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का पहला वाला पॉइंट हमारा रहेगा, वो रहेगा स्टैचिंग के बारे में. तो ये जो परपेंडिकुलर में लगे हुए हैं ये बल्ली, इनको कहते हैं प्रॉप्स. तो मतलब ये पूरा आता है स्टैचिंग में. तो ये हम लोग लगाते हैं कैसे, बीम वाले पोर्शन में हम लोग लगाते हैं सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस में. चाहे हमारे पास 500 सेंटर टू सेंटर हो, 600 सेंटर टू सेंटर हो, जो भी हो डिज़ाइन के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से वैसे लगाया जाता है. ये आप देख सकते हैं, ये पहला वाला पॉइंट जो है ये स्टैचिंग का रहेगा. इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट जो रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास सेंटरिंग का. ये हमारे पास रेनफोर्समेंट है, किस चीज़ का, स्टीयर का. ये आप देख सकते हैं. अब सेंटरिंग किस चीज़ को कहते हैं, ये देख सकते हैं आप. ये जो प्लेट्स लगे हुए हैं जो हमारा अल्टीमेट कारपेट एरिया कंस्ट्रक्ट करेगा, ये इस चीज़ को सेंटरिंग कहते हैं. आप देख सकते हैं सेंटरिंग. और ये जो बीम का बॉटम है ये भी सेंटरिंग में ही गिना जाता है. ये हो गया हमारे पास सेंटरिंग, ये पूरा सेंटरिंग ही दिख रहा है. अब हम शटरिंग की बात करें तो शटरिंग ये वाली होती है जो हमारे पास परपेंडिकुलर में लगती है. ये साइड में देख लीजिए, ये हमारे पास ये शटरिंग कहलाया जाता है. ये चाहे कॉलम का हो, बीम का हो, रिटेनिंग वॉल का हो, ये सामने वाला दिख रहा है आपको जो सीधा सीधा लगा हुआ है खड़े खड़े परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम लोग कहते हैं शटरिंग. और ये जो बीम के दोनों साइड में है, इस साइड और इस साइड, इसको शटरिंग कहते हैं. ये शटरिंग एक बार फिर से, ये आप देख सकते हैं जितना भी खड़ा खड़ा लगा हुआ है, प्लेट्स जितने खड़े खड़े लगे हुए हैं इनको शटरिंग कहते हैं. ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि शटरिंग होती क्या है. ये देख लीजिए बीम का जो साइड साइड है ना, इनको शटरिंग कहते हैं. देख लीजिए. ओके, अब हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग. एक और जो हमारे पास है स्कैफोल्डिंग, वो देख लेते हैं. ये सामने जो आप देख रहे हैं इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं. ये स्कैफोल्डिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन जाए लेबर्स के लिए या जो भी है काम करने के लिए. ये आप देख सकते हैं हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है. और इस चीज़ को कहते हैं स्कैफोल्डिंग. ये यूजुअली हम लोग बैम्बूस या बांस कह सकते हैं, बांस का बनाते हैं. यह हम लोग आयरन रॉड्स का भी बना सकते हैं, पाइप्स का, लेकिन सस्ता पड़ता है ये बैम्बू. सो गाइस, अभी तक हम लोग देख चुके हैं स्टेजिंग, सेंटरिंग, शटरिंग और स्कैफोल्डिंग में आपस में क्या डिफरेंस है. अब हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें तो हम लोग कर चुके हैं, अब इनको रिमूव कब कर सकते हैं. तो चलो चलते हैं IS कोड पे, IS कोड देखते हैं क्या कहता है हमारा. IS 456 2000 क्या कहता है हमारा. ये देख लीजिए, पहला वाला पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर हम लोग फॉर्म वर्क मतलब किस चीज़ का फॉर्म वर्क, कॉलम का, वॉल का या बीम का, ये फॉर्म वर्क यहाँ पे शटरिंग कहलाया जाएगा. अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहेंगे तो कब रिमूव कर सकते हैं, 16 से 24 घंटे के बाद. उसके बाद हम लोग स्लैब में जो हमारे पास सेंटरिंग पोर्शन होता है वो रिमूव कर सकते हैं
कब रिमूव कर सकते हैं? 3 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है हमने, किस चीज का, जो वहां पे प्रॉप्स लगी हुई होती है, बल्ली लगी हुई होती है या स्टेजिंग कहा जाए, वो हम लोग ने इमिडिएटली वापस लगाने हैं, ठीक। उसके बाद बीम्स की बात की जाए, बीम्स की शटरिंग निकाल सकते हैं हम लोग, कब निकाल सकते हैं? 7 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या, किस चीज का ख्याल रखना है, जो वहां पे प्रॉप्स लगे हुए होते हैं, स्टेजिंग लगी हुई होती है, वो इमिडिएटली हमने फिर से लगाने पड़ेंगे। उसके बाद बात की जाए स्टेजिंग की, किस चीज की स्टेजिंग की, हमारे पास जो है बीम में जो स्टेजिंग लगे हुए होते हैं या स्लैब में जो स्टेजिंग लगे हुए होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। पहले स्लैब की बात कर लेते हैं। स्लैब, अगर हमारे पास स्लैब जो, हमारे पास स्लैब की स्पैनिंग है, मतलब उसकी लेंथ विड्थ है कितना, 4.5 मीटर तक, तो हम लोग 7 दिन के बाद निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद अगर हमारी जो स्लैब है उसका जो साइज है हमारे पास 4.5 मीटर से ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए 14 दिन, ठीक। अब हम लोग बीम की बात करें तो बीम में हम लोग प्रॉप्स कब रिमूव कर सकते हैं, बीम्स या आर्चेस में हम लोग कब प्रॉप्स रिमूव कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बीम की स्पान कितनी है, लेंथ कितनी है हमारी बीम की। अगर हमारे पास बीम की लेंथ 6 मीटर है तो हम लोगों को चाहिए 14 दिन। अगर हमारी बीम की स्पान जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा है तो हम लोगों को चाहिए एटलीस्ट 21 डेज। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास जो फॉर्मवर्क था उसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।